गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, सुबह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। बच्चे भी तैयार हो गए, रेडी हो गए, स्कूल जा रहे हो? गुड मॉर्निंग बोलो अंकल आंटियों को। गुड मॉर्निंग। कौन स्कूल जा रहे हैं? हाँ। क्या पढ़ोगी स्कूल में? एबीसी। चलो पहला कलमा सुना दो। पहला कलमा दरिया, मैंने पाक सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तैयब तैयब मैंने पाक पाप नहीं पाक 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 ये टीचर को भी यही पहला कलमा सुना। मेरी बेटी बहुत अच्छी बच्ची है, स्कूल में सिखा दे ना कलमे। अच्छा ऐसे सबको करो, आयत ऐसे ऐसे करो, ऐसे सही है। सही है। चलें जी, अभी हम चलते हैं स्कूल छोड़ने। स्कूल छोड़ कर वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आज सेटिंग करनी है जी। ड्रम सेटिंग किस जी? किचन, आज किचन सेट करेंगे। आप तो कह रही थी मैं रात को करूंगी, रात किधर गई? रात को ढोलकी से वापस आ तो दिल करता है बस मीठी नींद सो जाए। बिस्मिल्लाह रेलगाड़ी आ गई। चले आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ माशाल्लाह जी, आ जाओ। क्या हाल इमरान भाई? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपका नंबर हमने लगा दिया। बड़ी मेहरबानी जनाब। कल हम दूसरी तरफ गए हुए थे। अच्छा, रंग करने के लिए। ठीक, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, दो लड़कों को वहाँ भेजना है हमने। हमारे घर की ना बिल्कुल वायरिंग उखड़ी है ना, कोई बल्ब जलाने का मज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो फिर मुश्किल होती है वीडियो बनाने के लिए। आज आपको हम बिल्कुल रोशन करके जाएंगे। अच्छा, जिस तरह आप माशाल्लाह रोशन हुए हुए हैं, छोटी जी आप बड़ी नज़र आएगी आज इंशाल्लाह जी। सही है। अच्छा, अहमद भाई ने मेरा हाल में वो छोटे को समझाया था, फिर भी जो है ना हम खुद भी साथ बता देते हैं। सही है। चलिए जी, चाय हमारी भी बन गई, नाश्ता बन गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? बकरी पहन ली है? तैयार हो गई हो? खाना पक गया जी? तैयार हो गए, पराठे बने हुए। थर्मोस वाली खुद भी आप चाय हैं, आदत पड़ गई। ताज़ी बनी हो ना भाई, तकरीबन 15-20 मिनट तक हो, वो भी नहीं 10 मिनट तक चाय पड़ी हो, मैं पी लूँगी। इसी ऊपर टाइम हो तो स्मेल आती है आठ पोट की रोटी से और थर्मोस के से, मुझसे नहीं पीने होती। आपकी पसंद सब सराह रहे हैं कि 16 नंबर वाली शीट जो है ना वो सही है। हाँ जी, अभी मुझे सिलाई मशीन बाहर रख के देनी है आपने, जब तक ये वायरिंग वगैरह करेंगे इनसे पूछ ले कितनी देर है। नाश्ते के बाद फौरन ये पर्दे सिलाई कर लेती हूँ, जो वो न्यू बेड की चादर लेके आए ना वही पर्दे बना लेते हैं, पेटी में से वो किधर मिलेगी चादर। चलिए फिर जो भी करना है कर लेते हैं। ठीक है, नाश्ता करते हैं ना तो फिर करते हैं। ठीक है, माशाल्लाह जी अहमद भाई पहुँच आए हैं इलेक्ट्रिक का काम करवाने। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? कल वो हो गया था प्लंबर वाला काम सारा? जी जी, हो गया था प्लंबर वाला काम बिल्कुल। बाद में याद आया वो जो हमने इधर टूटियां लगाई ओली साइड पे, वो हमारे किसी काम की नहीं है, ऐसे ही हमने लगवा ली। नहीं टूटियां तो वॉशरूम बंद है ना, वो नहाने वाली टूटी भी नहीं लगा दी, शावर भी लग गए, वो तो काम हो गया फाइनल। ये जो ओली साइड वाली टूटियां थी ऐसे ही मुझे बाद में दिमाग में, मैंने कहा फजूल ऐसे जो है ना लगवा दिए। वो मेरे हाल में वॉशरूम चालू होता ना फिर काम आती, वॉशरूम तो हमने बंद कर दिया। हाँ उनका कोई फायदा नहीं है हमें, मतलब वो जरूरत नहीं है, अभी तो लग गई। खैर चले अल्लाह खैर करे। ये जी आ गया है बिजली वाला सामान सारा और शुरुआत हो चुकी है इधर से। अस्सलाम वालेकुम जी, आ गए माशाल्लाह जी। ये जी बोर्ड शोर पहुँच चुके हैं। और हमें भाई सुनाएं, सब खैर क्यों है? लड़का शीट लेने गया हुआ है। अच्छा, शीट आप देखेंगे तो आप भूल जाएंगे हर चीज। अच्छा, मतलब जो मेरे कार में लगी है उससे अच्छी लगा रहे हो? जी सही है।
असलम भाई के ये करम भाई उससे सारों से अच्छी है। असल में वो न्यू मॉडल आते हैं ब्लैक ब्लैक कोबरा, यानी कि हमारी किस्मत अच्छी है जी। असलम भाई से असल में भाई से एम भाई से मॉडल न्यू आते हैं ना, अब तकरीबन महीने बाद दो महीने बाद तो न्यू वो मॉडल आ जाते हैं। अब मतलब कि जो मॉडल आया हुआ है वो हमारे तो दो साल पुराने लगे हुए हैं ना, वो अब पुराना मॉडल हो गया, अब ये एक जदीद मॉडल आ गया। लड़का लेकर आ रहा है अभी, आ जाता है देखना फिर। चलें जी इंशाल्लाह। बात किस्मत की भी होती है ना इमरान भाई, बात किस्मत की भी होती है, किस्मत हम पे मेहरबान है, अहमद भाई भी हैं। अभी परसों आई है सरगोधे से वो न्यू मॉडल, अभी मैंने इसे आपको देख के ना वही मतलब एक हिसाब से बोर्ड, वरना वो इमरान भाई को पता है जितने भी किराए पे घर दिए उनके उनमें कौन से बोर्ड लगाए हैं पूछ लें। जो पहले इधर से तारे जो सफेद बोर्ड नहीं लगे थे इधर जी, वही लगाया, उधर सारी बिजली की वायरिंग हुई है। अच्छा, क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं ना, ये बहुत महंगे होते हैं, तो मैंने कहा चले यहाँ पर यही लगा दें। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी तरह जिस तरह आपने लगा के दी इसी तरह हम संभाल के भी रखेंगे, उनको पानी से धोएंगे। करंट करंट आपने मेन स्विच नहीं बंद करना, पहले पानी से धो लेना है, फिर उसमें उंगल भी मारनी है सरफ, उसको साफ करेंगे ना, किल लेके किल लेके कहना सरफ लगा के ना उंगली मारे उसके अंदर किल लेके। नहीं अपनी बेगम को नहीं, वो जब आप थको अपनी बेगम से तब ऐसा करवाना। नहीं नहीं थकता नहीं हूँ मैं, बेगम प्यारी है अभी मुझे, आपको पता है और मिलनी नहीं है। सही बात है, हमें कोई देता भी नहीं है। और मिल भी जाती है लेकिन वजन में फर्क आ जाता है। मिल जाती है मगर ऐसी बीवियां नहीं मिलती। वजन में फर्क आ जाता है, मैंने बोला है वजन। माशाल्लाह कैसी है आप आज ये वीडियो पे, ये हमारी पिक लगाने में, हमारी शीट की पिक ऐसे लगा दी। मैं कहता हूँ ये ऐसी पिक लगा देंगे। कैसी है? बहुत जबरदस्त है, कलर बहुत अच्छा ब्लैक जबरदस्त है। मैं कहता हूँ साहब जो आपके फैन है बताएंगे कैसा है। इंशाल्लाह ये लग के बहुत प्यारी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। डिजाइन बहुत खूबसूरत है उसका। ये तो आपका भी शुक्रिया कि जिन्होंने आप अहमद भाई को मशवरा दिया है, और अहमद भाई का भी शुक्रिया जो लगवा रहे हैं। जी जी मेन बात है अहमद भाई के, जिन्होंने लगवाना है परमानेंट है ना, बहुत पुराना हमसे इनका अच्छा लगा। वो हम भी तो पक्के ही हैं आपके साथ है, जब तक इधर है आपके साथ ही सारे काम आपने हमारे साथ ही है इंशाल्लाह। और ये ऊपर खाना चढ़ के बैठी हुई है, रो रही थी ऊपर बैठाया था, थर्मोस फेंकने लगी थी, थर्मोस फेंकने लगी, मेरा न्यू थर्मोस है पता, मेरी जान ये कौन से काम हो हैं, मैंने मना भी किया नहीं करने का, फटाफट मैंने उठे हाथ रख लिया, अभी वो उठा के ऊपर रखा, वो ऊपर रख दिया उठा के, तो पहले ही आप रख देती ना, क्या था आपने इसको उठा के ऊपर बिठा दिया, मैंने अभी बर्तन धोए, वो रो रही थी ना इसलिए मैंने कहा ऊपर बैठा दूं कि फिर मैडम साहब आप बैठी रहें। आ जाएगा ना, नहीं नहीं कह रहे थे पी लूँगा, ये देखें बन गई जगह, क्या हुआ चाय पीनी आपने, क्या पीती है बस करो ऐसी डाल लेना, क्या आप मिन मिन के मिन मिन के मिन मिन के आप डाल लेते हैं। अब हाथ में मक्का चढ़ा हुआ है तो फिर मैंने कहा इसी से डाल, बस लगे रहो। आप स्कूल जाओगी रात को सिस्टर की कॉल आई के लिए, तो वो किधर गए हैं सर जी, आ जाएं चाय तैयार है, अगर बाहर आ जाएं तो चाय तैयार है जी। अच्छा जी आ जाएं बाहर, आ जाएं बाहर बैठ के स्कूल से चाय पिए। ये जी चाय रख देते हैं सोफे पे, चाय आगे सोफे पे, अभी इधर लगे हुए हैं काम दूसरे कमरे में। बात ये है बात इंसान इंसान से बात करने से कुछ नहीं आता, मगर इतनी मसरूफियात है ना कि मैंने सिमे वगैरह जिसके पास नंबर लेना चाहे अपने भी जाना वो बात। आ जाए इमरान भाई किधर गए, चले गए अच्छा पट्टी सीधी हो गई, आधे चाय गर्म हो जाएगी, एक मिनट हम ये पट्टी ऊपर खड़ी की है। अच्छा चले ठीक है ठीक है। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, आपके फैंस के फ़ोन हमारे पास भी आते हैं, वो गिला शिकवा करते हैं जी अहमद भाई फ़ोन नहीं उठाते, पहली बात तो ये है कि आप मेरा भी फ़ोन नहीं उठाते। गिला शिकवा ये है कि उनका गिला शिकवा भी अपनी जगह ठीक है,
मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ, आप भी अपनी जगह ठीक है। जी जी। तो असल में ये होता है कि आजकल जो मसरूफियत है ना, आजकल किसी इंसान के पास ना यार टाइम नहीं है। सही बात है। तो मैंने सीमे वगैरह जो रबते चाहे अपने भी है ना, यकीन कर वो जो काम होता है खुद आके मिल के बताते हैं, फोन वाला चक्कर खत्म कर दिया। सही बात। क्योंकि व्लॉग बनने होते हैं दरमियान में कॉल आती है, वो मसला बन जाता, मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से ना मैंने वो सारी सिमें वगैरह भी बंद कर दी, किसी से कोई रास्ता नहीं है। इंशाल्लाह थोड़े ये मामला ठीक हो जाए, फ्री हो जाए, इंशाल्लाह फिर सबसे रास्ते बहाल करेंगे। बिल्कुल। फिलहाल अभी माजरात इंशाल्लाह। कल एक स्पेशल फ़ोन आया था, उन्होंने बहुत जो है ना, मैं कहा अहमद भाई पहली बात है कि गाड़ी नहीं है, कहीं गए हुए हैं। हाँ मैं बहावलपुर गया था। तो दूसरा जो है ना, फिर सब कहते हैं जी नंबर, मैं कहा पहली बात यह था कि नंबर हमें अलाउ नहीं है देना ही, ना उनका व्हाट्सएप है ना कुछ है, वो व्हाट्सएप जो ना समझे जो आपके पास नंबर है बेशक दे दो, वो वैसे बंद है क्या? वही ना, जो मेरे सारे बंद कर रखे हैं। हमारे पास भी जो नंबर है वो भी अहमद भाई का बंद है, हम घर से जाके लेके आते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैंने यही बात बताई है, मैंने कहा कोई काम होता है या ये खुद आ जाते हैं या मैं आ जाता हूँ, बिल्कुल फोन पे नहीं होती बात। बिल्कुल ठीक है जी, आपने सुन लिया है कि अहमद भाई जो है ना बहुत ही बिजी इंसान है, बहुत बिजनेस मैन है माशाल्लाह बड़े, तो उनके लिए बात करना मुश्किल होता है। ठीक है जी, आप गिला शिकवा आपका ख़त्म हो गया है, क्यों जी? हाँ जी, ये सब के लिए अहमद भाई का पैगाम है। जी जी, सही। हेलो। हाँ जी प्यारे बहन भाई, वो ठक ठक की आवाज़ भी आ रही होगी, काम हो रहा है, आप लोग डिस्टर्ब होते होंगे, मगर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इतना इज्जत देते हैं, हमारे ब्लॉग देखते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। बारिश बनी हुई है? नहीं बारिश नहीं बनी हुई है, अच्छा हुआ धूप है तो बारिश भी बनी है। अच्छा सबसे पहले आप बताएं, आप पख्तून हैं? आप पख्तून हैं? नहीं हम पठान बिल्कुल भी नहीं है, मगर मैं कराची में रही हूँ, तकरीबन पैदा ही वहीं पे हुई हूँ, 11 साल की थी, हम लोग कराची से लाहौर शिफ्ट हुए हैं, तो मुझे पश्तो बोलनी आती है क्योंकि हम पठानों के एरिए में रहे हैं, तो मैं बोलती पश्तो थी पंजाबी, तो हमने लाहौर जब शिफ्ट हुए उस टाइम हम बोल मैंने बोलना शुरू किया, 2002 में हम शिफ्ट हुए थे इधर लाहौर में, लाहौर में। जी जी। तो अब आप खुद हिसाब लगाए, आप मुझे पंजाबी बड़ी मुश्किल से पाना शुरू किए थे, सिस्टर है भाई है जो भी जिनका कमेंट आया था, हम पठान नहीं हैं, हम पंजाबी हैं, और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड जो है गुजर खान के, तो जो है हम बस यही रावलपिंडी पे ही रहते थे। हाँ जी, रोजी की तलाश में गुर्बत के मारे हम लोग रावलपिंडी में, सिर्फ हम लोग थे ना, राशिद के बहन भाई है रावलपिंडी में और ना ही मेरे बहन भाई, मेरे बहन भाई सारे रावलपिंडी में, लाहौर लाहौर राशिद के गुजर खान में, वो मेरे फोत हो चुके हैं, वो नहीं है। हाँ जी, और एक और सिस्टर है वो कह रही थी कि मेरे आपको मैंने कहा रिप्लाई नहीं करते, तो मतलब आपने ग्रे कलर के पर्दे नहीं, ग्रे कलर शीट या पता नहीं क्या, और वाइट इंशाल्लाह सिस्टर अलम जहां सब थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, सोबिया खान या सोबिया मलक या पता नहीं कुछ है, सब कुछ हो पूरी। ये क्या कर रही है? ओ इंशाल्लाह सब कुछ होगा। अभी मैं बेड के लिए बेड शीट लेके आई हूँ, ये तो राशिद ने कहा ये इसके साथ ना शीट के साथ मिल रही है जो किचन में लगानी है, तो ये जो बेड शीट है आप इसके हम पर्दे बनाएंगे। मेरे बेड शीट बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तकरीबन अलीशा पैदा हुई थी तो मैंने उस टाइम वो बेड शीट ली थी, जब मेरी जारा हुई थी मैं हॉस्पिटल जाने से पहले अपना रूम सजा खुद जाती थी, मैं मेरी को अल्लाह ताला बेटी बेटा जो भी थे आए तो हमारा घर साफ सुथरा हो, बिल्कुल, तो वो उस टाइम मैंने दो बेटियों की दफा चादरें ली हैं, तो पीछे हूँ आपने क्या कहना मामा पीछे ओ। अच्छा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, गिरती इसके इसके उधर ऊपर उठा दे, हमारी सिस्टर उन्होंने कहा था सिस्टर आप अपने लिए ये बनवाएं, आपका टेबल है तो बिस्तरी स्टैंड ज़रूरी है, ये माशाल्लाह से ये देखे इतना प्यारा बन चुका है, टेबल मेरा था और ये स्त्री स्टैंड, अब आप सबने बताना इसमें हमने कपड़े रखने हैं या बर्तन, कपड़े ज़्यादा बेस्ट है या बर्तन, मेरे को तो दोनों ही बेस्ट लग रहे हैं। कपड़ों का इतना वज़न नहीं है, ठीक है ना, ये शीट जो नीचे लगी है ना पतली सी, बर्तन ये ना तो बर्तनों की वजह से वो टूट जाए। हाँ जी ठीक है ना, तो इसमें मेरे ख्याल में बेहतर कपड़े रहेंगे, कपड़े रहेंगे वो व्यूअर्स जो बोलेंगे वो ही आएंगे, बाकी फर्श की जो शीट है इंशाल्लाह वो भी जब
अल्लाह ने चाहा वो भी हम लेके आएंगे, प्यारे से पके लेके आएंगे, सब कुछ हम लोग लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये अहमद भाई जो काम करवा रहे हैं ये अपने घर को पक्का कर रहे हैं, क्योंकि वो मिट्टी के थे, कीड़ियाँ मिट्टी निकाल निकाल के उन्होंने घर ख़त्म किया हुआ था। वो आप सब कहते हैं अहमद क्यों बनवा रहे हैं, आपको क्या लगती है? मैं उनकी कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ एक यूट्यूबर हैं हम लोग। वो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, सब ने सपोर्ट किया, आप सबको जैसा पता है। प्लीज़ ऐसे ना हमें व्हाट्सएप पे तंग किया करें, ना फ़ोन किया करें। वो एक किस्म का समझे वो हम पे एहसान नहीं कर रहे, क्यों राशिद जी, जी, उनका घर है। हाँ उनको पता हमने यहाँ से चले जाना, हो सकता हम 2 महीने में चले जाए, 3 महीने में चले जाए, ये कोई पता नहीं है। उन हमने रावलपिंडी में ही था, हमारी वीडियो आप पीछे जाके देखे, हमने सब कुछ बीच में बताया हुआ है, हमने यहाँ पे पक्के नहीं रहना। क्योंकि मेरी बेटी को बहुत शौक है पेंटिंग वगैरह का, हर चीज़ का, वो यहाँ पे तो नहीं ना क्लासेस मिलती, यहाँ पे कश्मीरी पत्ती नहीं मिलती, यहाँ पे कश्मीरी चाय जो पिंक टी उसकी पत्ती नहीं मिलती। अब मैं दूसरी पत्ती लेके आई हूँ इंशाल्लाह, उसकी पिंक टी बनाऊंगी नंबरदार की। वो सारे कह रहे थे आपके घर में डोल के रखेंगे, मैंने कहा आए वेलकम। तो फिर मैंने कहा ज़ाहिर बात है वो आएंगे तो बुरा इंसान लगता है, तो हम अच्छी सी खिदमत खातर करें। मेहमान तो अपना नसीब लेके आते हैं, आप सबको बहन भाई को पता है। तो कई लोग कमेंट करते हैं जी आप क्या ला देते हैं यहाँ पे, अल्लाह ताला मेहमानों का स्वाब करते हैं हमारी भाई जो भी है। आप सब अच्छा सोचें या बुरा सोचें, हमारे लिए ये सब कुछ बिल्कुल, क्योंकि आज जो कुछ भी हम बनेंगे ना इनकी खातर, मेरे अल्लाह के बाद हमारा दाना पानी ना लिखा होता तो हम कभी भी ना आते। और आप देखें ना जो सिस्टर ने की, हमने तो नहीं ना उनको कॉल करके बोला हमें ये चीज़ लेके दें वो लेके दें, वो उन्होंने अपनी खुशी के लिए हमारी खुशी के लिए। राशिद ने 6 महीने काम के लगाए, रोज़ का उन्होंने 500 दे देना, तो कभी उन्होंने 1000, काफ़ी दिनों बाद हफ्ते बाद 1000-2000 रुपये दे देना। किराएदार का तो नहीं इस तरह गुजारा होता, आजकल तो बिल इतने आते हैं, हमने पिछले महीने 7500 बिल भरा, 17000 इधर भरा है, 10000 वो 17000 जी। तो अब कारोबार का होता है प्यारे बहन भाइयों, नहीं चल रहे तो क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने जिसमें हमारी रोजी लिखी हमने वही खानी है जी। हाँ जी, ये मेरे बर्तनों के छानने नहीं थे, ये तीन है माशाल्लाह, ये अच्छे वाले मैं लेके आई हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह जी ने मुझे ऐसी चीज़ों से नवाजा, शुक्र है। हाँ जी, हम कोई ड्रामे नहीं करते हैं, हमारी ये रियल वीडियो, आप हमारी पीछे की भी देखें वीडियो आपको पता लगे। ये देखें माशाल्लाह से, ये अल्लाह ताला मेरी सिस्टरों को बहुत सारा दे, अल्लाह ज़िंदगी दे जो मेरे बच्चों को सपोर्ट करा रही है। और ये एक इस गुसलखाने के लिए, उस गुसलखाने के लिए, ये मिर्चा दानिया क्या मिर्चा दानिया नहीं नहीं साबुन दानिया साबुन दानिया हाँ जी, नमक दानी नहीं आ गया बर्तन के लिए, कभी कौन सा कपड़ा कभी कौन सा कपड़ा, ये इतनी मज़ेदार कुची ऊपर ये तारे लगे। अच्छा ये रावलपिंडी में मैंने कभी भी नहीं देखी ये वाली, नहीं है थी वन डॉलर में। अच्छा, और ये दीवारों के साथ लगाएंगे जबरदस्त। हाँ जी, ये भी है, ये मैंने एक जैसे इसलिए लेके आई हूँ, अच्छे लगेंगे, रंग बिरंगे नहीं अच्छे लगते इंशाल्लाह। दीवार के साथ जब सेटिंग करूँगी आप सामने देख जी जी वो भी इंशाल्लाह। और ये नैया के लिए मग्गा अच्छे वाला लेंगे, क्योंकि मिस्त्रियों ने मरना आने वाला मग्गा बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया है। और ये हमारी छुरी जी जी, हाँ जी, और अल्लाह अकबर, और ये लिखा अलिफ लाम मीम, इसको लोहे कुरानी इसमें लाइटिंग होती है इंशाल्लाह, हम ये भी लगाएंगे, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और ये बेडशीट तो मैंने आपको दिखा दी है, ये मैंने इंशाल्लाह पर्दे बनाने, देखें हम अपने लिए अपना घर सजा रहे हैं जी जी, ठक ठक हो रही है। और ये तीन, एक डोई और ये दो, आप सबने बोला था ये लेके आए सिस्टर रोटी की हड्डी में, ये भी आ चुकी है। और फ्रिज में कोई भी सालन वगैरह रखना हो, डब्बे नहीं थे हमारे पास, और ये अच्छे वाले डब्बे आए, खोल दो इसको, खोल देना जल्दी, आप इस्तेमाल ही करना ना, क्या करना, ये बहुत ज़बरदस्त अच्छे वाले डब्बे, ये देखें माशाल्लाह के, ये देखो थोड़ा थोड़ा सा सालन बच जाएगा, कभी चटनी होती है, ये सात सात पीस का है। हाँ जी, तीन ये हो गए,
और ये पीते पीते इतने मुझे यही बहुत ये चटनियाँ जो है ना रखते तो बंदा बीच में रख लेता है। हाँ जी, साथ में बच्चों को सिस्टम लंच दें, केचप डाल दी, मायोनीज डाल दी, कुछ ना कुछ ही साथ डाल दें। वो तो टिफिन स्पेशल बना होता है ना। जी जी, ये सही, इसके ढक्कन बंद होते हैं बेहतरीन। ये भी बस कितने प्यारे हैं। हमारी नानी भी बीच में पीछे से देख रही है। नानी आए, मैं भी देखूं ना मेरे लिए क्या है। जो दवाइयां वगैरह मैंने छापे में डाल के रखी थी वो मुंतहा तो आयत ने उसमें से काफी ज्यादा तोड़ दिए। ये फिर मैं टोकरी लेके आई हूँ, इसमें मैंने कहा दवाइयाँ रख दूंगी, ऊपर से यूँ बंद हो जाएगा मजबूत। साथ में दवाइयाँ बिल्कुल सेफ्टी भी रहेंगी ना, पता होगा फलां दवाई यहाँ पे है। और ये छोटे छोटे डब्बे लेके आई हूँ गरम मसाला बना। ये इधर सिर्फ दो तीन मिनट, बस छोटा सा क्लिप है हमारा, ठीक है ना। फिर आप क्या चीज अम्मा? अच्छा, ये क्या है? ये बर्तन धोने वाला काला साबुन, मैंने कहा पतीले लशकाने के लिए। हाँ, बर्तन लशकाता है, काले है। जी जी बिल्कुल। ये दूसरा साबुन आया है, अब मेरे अब्बू को ये काला साबुन इतना। अच्छा चलिए जल्दी काट लें। और ये छोटे डब्बे इंशाल्लाह मसाले डालूंगी, आप सबने देखना क्योंकि वो उन्होंने रिंग चीज बनानी। ये हमने काफ़ी भाई महीना हो गया ये गली में पाई है, छुरियाँ वगैरह ये चीज़ें डालनी, चमचे सब तो कुछ जो है ना सारे वो ये किचन में। प्यारे बहन भैया, मेरी शॉपिंग किस तरह लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। और अहमद भाई की बात आप सबने सुन ली है, जो अहमद भाई से बहुत प्यार करते हैं। अहमद भाई ने जो पैगाम दिया है, बिल्कुल अहमद भाई का पैगाम है, ये सब के लिए। कोई कसूर नहीं है, वो इजाज़त देते तो हमें क्या, एक नंबर ही है ना, हम दे देते हैं। अहमद भाई को चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह से पता है। और वो अपना घर का काम करवा रहे हैं, वो अपना घर मजबूत करवा रहे हैं। उनकी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है जो हम आए तो करवा रहे हैं। उन्होंने अपने सुसर को भी बोला था भाई आप लोग इधर दो महीने रहे तो मैं काम करवा दूंगा, मगर उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो कह रहे थे चुंटियाँ चरपाई पर भी आ जाती हैं। तो खैर जो भी है, घर उनका वो काम करवा रहे, उनकी मर्जी, ना करवाते तो हमने तो नहीं उनको बोला था। ठीक है प्यारे बहन भैया, अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। उन्होंने काम करना है, ड्रिंक मशीन चला रहे, आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा शोर है, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।